रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार दोस्तों, जेनेटिकल डिजीज अनुवांशिक रोगों में हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अनुवांशिक रोग होते क्या है, किसको अनुवांशिक रोग कहते हैं। तो दोस्तों, अनुवांशिक रोग जो है वो वास्तव में क्या होते हैं, तो सबसे पहली जो बात आती है वो यही आती है कि अनुवांशिक रोग होते क्या है। तो अनुवांशिक रोग जो है ये ऐसे रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित होते हैं, यानी कि F1 से F2 तक, या हम कह दें कि जो माता पिता से संतान तक संचरित होते हैं, ऐसे रोग क्या कहलाते हैं, अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। ठीक है, या हम इसी को कह दें कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे संचरित होने वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे संचरित होने वाले जो रोग हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मित्रों अनुवांशिक रोग, बोले तो जेनेटिकल डिजीज कहलाते हैं। अब जेनेटिकल डिजीज में अनुवांशिक रोगों में हम यहां जो परिचर्चा करेंगे उनमें कौन कौन से अनुवांशिक रोग जो है वो अपन पढ़ेंगे, पहली बात अनुवांशिक रोग कौन कौन से हम देखेंगे। दूसरी चीज ये आती है कि अनुवांशिक रोगों में कौन इनका वाहक होता है और क्या इनका प्रभाव जो है वो आने वाली संतानों पर पड़ता है, ये सारी बातें अपन इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जेनेटिकल डिजीज कौन कौन से जिनकी हम बात करेंगे। तो ये चार प्रकार की जेनेटिकल डिजीज अपन पढ़ेंगे। एक अपन पढ़ेंगे हीमोफीलिया, एक अनुवांशिक रोग है अपना वर्णांधता, एक अनुवांशिक रोग है दोस्तों थैलेसीमिया, और एक है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ये चार प्रकार के जो अनुवांशिक रोग हैं, इन चार प्रकार के अनुवांशिक रोगों के विषय में अपन यहां पर क्या करने वाले हैं, अपन यहां पर बातचीत करने वाले हैं। ओके, यस। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहला हीमोफीलिया, कि हीमोफीलिया क्या है, क्या इसका लक्षण है, क्या प्रभाव है, क्या इसमें होता है, ये सारी बातें जो है वो अपन इसमें करेंगे। तो वन बाई वन अपन चलते हैं। ये लीजिएगा, पहला अपना है दोस्तों हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग की बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह आती है कि इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति हैं उनका लक्षण क्या है। तो ग्रसित जो व्यक्ति हैं उनका लक्षण यह है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों का रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या कहेंगे हम, रक्त का थक्का नहीं बनता है, अर्थात एक बार चोट लग गई, रक्त बहना प्रारंभ हो गया तो वो रक्त का बहना बंद नहीं होगा। अगर रक्त का बहना बंद नहीं हो रहा तो संपूर्ण रक्त जो है वो स्रावित हो जाएगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो रक्त का थक्का नहीं बनता है हीमोफीलिया रोग में। अब हम बात करते हैं कि इस हीमोफीलिया रोग में जो रक्त का थक्का नहीं बनता है, इस रक्त के थक्के से संबंधित तीन बातें यहां पर मैं आपको बता देता हूं। तो ये हो गया दोस्तों रक्त का थक्का। एक बात तो ये है कि चोट लगने के बाद रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट के अंदर बन जाए तो हम कहेंगे कि व्यक्ति कैसा है, स्वस्थ है। और यदि दोस्तों चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनने में 5 मिनट से ज्यादा का समय लगे तो हम कहेंगे व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी है। और यदि चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बने ही नहीं, रक्त का थक्का बने ही नहीं, तो हम कहेंगे कि व्यक्ति किससे ग्रसित है, व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है। किससे ग्रसित है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, ये बात अपन कहेंगे। क्लियर, यस। तो यहां पर स्थितियां हमने देख ली कि चोट लगने के बाद 2 से 5 मिनट में
अगर रक्त का थक्का बन जाता है तो हम कहेंगे व्यक्ति कैसा है, स्वस्थ है। मैं इसको ये लिख देता हूं मिनट, ठीक है। और यदि थक्का बनने में 5 मिनट से अधिक का समय लगता है तो हम कहेंगे कि व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी है। और यदि चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनता ही नहीं है तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हीमोफीलिया रोग है, इस हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, इस हीमोफीलिया रोग को हम कहते हैं वीआईपी रोग। क्या कहते हैं? वीआईपी रोग कहते हैं। बोले तो वीआईपी रोग अगर अपन कहते हैं तो क्यों कहते हैं, ये प्रश्न भी यहां से पूछ सकता है, लेकिन पहले ये जान लो कि वीआईपी रोग कहते हैं। दूसरी बात, इसी को हम शाही रोग कहते हैं। और शाही रोग क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इस रोग की जो खोज हुई थी, ये खोज शाही परिवार में हुई थी। कहां हुई थी? शाही परिवार, रॉयल फैमिली। तो शाही परिवार में इस रोग की खोज हुई थी। और ये शाही परिवार जो था दोस्तों, ये शाही परिवार था ब्रिटेन का। कहां का था? ब्रिटेन का, महारानी विक्टोरिया का परिवार। विक्टोरिया लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो महारानी विक्टोरिया की जो फैमिली थी वो ब्रिटेन की शाही फैमिली थी, वीआईपी फैमिली थी। और शाही फैमिली में इस रोग की खोज होने के कारण इसे शाही रोग या इसको वीआईपी रोग कहते हैं। दोस्तों ज्ञात रहे, इस रोग में जो रोगी होता है, हीमोफीलिया रोग का जो रोगी है वो रोगी होता है पुरुष। क्या होता है? पुरुष होता है। जबकि महिला जो होती है, स्त्री जो होती है, वो इस रोग में केवल और केवल क्या बनी होती है? वाहक बनी होती है। यहां से रीजन उठता है कि साहब क्या कारण है कि पुरुष रोगी है और महिला केवल वाहक है। तो दोस्तों पुरुष के जो क्रोमोसोम है वो XY होते हैं और महिला के गुणसूत्र XX होते हैं। और एक बात यहां से अपने को ज्ञात रखनी है कि ये रोग जो है, हीमोफीलिया जो रोग है, ये रोग एक्स गुणसूत्र संलग्न है। क्या है? एक्स गुणसूत्र संलग्न है। और एक्स गुणसूत्र संलग्न का मतलब क्या है? यह है कि इस रोग के जो जीन है, इस रोग के जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र से जुड़कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे संचरित होते हैं। ये इसका मतलब है। ओके, ये तो यहां पर क्या होता है, यहां पर देखिएगा कि पुरुष में दोनों गुणसूत्र अलग अलग हैं, ठीक है, और मादा में दोनों समान है। तो यहां मैं इस बात को आपको इस तरह से समझा दूं कि अगर जीन, और मैं हीमोफीलिया के जीन को रिप्रेजेंट कर दूं यहां पर H से, किससे रिप्रेजेंट कर दूं? H से रिप्रेजेंट कर दूं, यानी कि H4 हीमोफीलिया में प्रदर्शित कर दूं। और हम ये जान चुके हैं कि हीमोफीलिया जो रोग है उसके जीन X गुणसूत्र से संलग्न होते हैं। किससे होते हैं? X गुणसूत्र से संलग्न होते हैं। इसका मतलब वो X गुणसूत्र पर ही जुड़ते हैं। तो यहां पर हम बात करें तो ये इस तरह से जुड़ेंगे और इसको यूं लिखेंगे। और महिला में जब जुड़ेंगे तो वो इस तरह से जुड़ेंगे। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, दोनों गुणसूत्र जो है वो अलग अलग हैं। दोनों गुणसूत्र यहां पर क्या है? दोनों गुणसूत्र यहां पर अलग अलग हैं। और दोनों गुणसूत्र अलग अलग होने के कारण अपना प्रभाव जो है, ये प्रभाव भी दोनों अलग अलग प्रकट करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग प्रकट करेंगे। और जब एक्स अपना प्रभाव प्रकट करेगा तो एक्स पर जुड़ा हुआ हीमोफीलिया का जो जीन है ये भी अपना प्रभाव प्रकट करेगा और रोग के लक्षण प्रकट होंगे। और जिसमें रोग के लक्षण प्रकट होते हैं वही रोगी कहलाता है। क्या कहलाता है? रोगी कहलाता है। लेकिन इसके विपरीत हम महिला में बात करें तो महिला के दोनों गुणसूत्र सेम है, एक जैसे हैं। तो दोस्तों होता क्या है, वह गुणसूत्र जिस पर हीमोफीलिया का जीन जुड़ा होता है वो तो हो जाता है अप्रभावी। क्या हो जाता है? अप्रभावी हो जाता है। और वह गुणसूत्र जिस पर कोई भी जीन जुड़ा हुआ नहीं है वो हो जाता है प्रभावी। तो हम जानते हैं कि प्रभावी के लक्षण ही प्रकट होते हैं, अप्रभावी के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए अप्रभावी एक्स गुणसूत्र के साथ जुड़ा हुआ हीमोफीलिया का जो जीन है ये जीन अपने लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है। अर्थात महिला के अंदर हीमोफीलिया का जीन तो उपस्थित है लेकिन ये जीन अपने लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है। और लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है तो हम जानते हैं कि जिस व्यक्ति में लक्षण ही प्रकट नहीं, उसे हम रोगी नहीं कह सकते। हम किसी को रोगी है या नहीं है ये कहेंगे रोग के लक्षणों के प्रकटीकरण के आधार पर। तो इस प्रकार महिला में हीमोफीलिया का जीन तो उपस्थित है, यानी महिला हीमोफीलिया की वाहक बनी हुई है लेकिन रोगी नहीं है, जबकि पुरुष हीमोफीलिया रोग का रोगी है। ये जितने भी आनुवंशिक रोग है सभी में पुरुष वाहक रोगी होते हैं और महिला जो है, स्त्री जो है, वो केवल वाहक बनी हुई होती है। क्लियर? यस। अब हम आगे बढ़ते हैं
श्रृंखला में कि आपको एग्जाम में जो प्रश्न पूछेगा वो किस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको एग्जाम्पल्स पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस पर, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे मित्रों वो प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। आपसे पूछेगा कि एक पुरुष, यहां आपको दे देगा कि एक पुरुष है और पुरुष हीमोफीलिया रोग से क्या है, ग्रसित है, हीमोफीलिया रोग से क्या है, ग्रसित, और एक है दोस्तों महिला स्त्री, और स्त्री जो है यह है माना सामान्य, यह हीमोफीलिया रोग से ग्रसित नहीं है या वाहक भी नहीं है, यह स्थिति आपको दी और उससे पूछा कि इससे उत्पन्न होने वाली संतानों का क्या प्रतिशत होगा हीमोफीलिया का, या हीमोफीलिया का उन पर क्या प्रभाव होगा, ये वाला प्रश्न यहां पर पूछा गया है। तो सबसे पहले पुरुष दिया गया है तो हम इसके जीन लिखेंगे एक्स वाई, स्त्री दी गई तो इसके जीन लिखेंगे एक्स एक्स। स्त्री कैसी है, सामान्य है, सामान्य है, इसका मतलब हीमोफीलिया रोग नहीं है, तो कोई भी जीन हमें एक्स पर जोड़ने की कोई आवश्यकता यहां पर नहीं है। लेकिन यहां पर पुरुष ग्रसित है और चूंकि हम हीमोफीलिया रोग की बात कर रहे हैं तो हीमोफीलिया से ग्रसित है, तो हीमोफीलिया का जो जीन है वो क्या है, वो एच है, और हम जानते हैं कि हीमोफीलिया एक्स गुणसूत्र से अलग है, हीमोफीलिया की जीन जो है वो एक्स गुणसूत्र से जुड़कर आगे स्थानांतरित होते हैं, तो हमें एक्स पर हीमोफीलिया का जीन जोड़ना है, किसमें, पुरुष में, तो हम यहां पर जोड़ देंगे एच। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम इसमें क्रॉस करवाएंगे, क्या करवाएंगे, क्रॉस, क्रॉस कैसे करवाएंगे, पहले इनके जीन जो है इनको अलग करके लिखेंगे, ठीक है, यहां पर H जुड़ा हुआ है और इनको अलग करके लिखेंगे, पृथक करके लिखेंगे, तो ये यहां पर X और X। अब जब हम इनके बीच क्रॉस करवाएंगे तो यहां पर देखिए क्या होगा, इस पहले को आगे वाले के पहले के साथ हम क्रॉस करवाएंगे तो ये बनेगा X X H, बन गया। फिर दोस्तों इस पहले को आगे वाले के दूसरे के साथ क्रॉस करवाएंगे तो यहां पर भी बनेगा X X H। फिर मित्रों यहां पर इस दूसरे को आगे वाले के पहले से क्रॉस करवाएंगे तो यहां बनेगा X Y, फिर इसको आगे वाले के दूसरे से क्रॉस करवाएंगे तो यहां बनेगा X Y। क्लियर, इतनी बात आप लोगों को समझ में यहां पर आ जानी चाहिए। ओके, आगे तो हम यहां पर सीधे ही कह सकते हैं कि ये जो संतान यहां पर हमें प्राप्त हुई है, ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली, ये संतान हीमोफीलिया रोग से क्या है, हम कहेंगे कि ये संतान हीमोफीलिया रोग से क्या है, अब वो किस आधार पे कहेंगे, तो दोनों एक्स है तो ये क्या हो गई, पुत्री, और पुत्री हो गई तो पुत्री को रोगी तो हम कभी कहेंगे नहीं, तो हम कहेंगे इसको वाहक पुत्री, क्या कहेंगे, वाहक पुत्री, ये भी दोनों एक्स एक्स है और पुत्री है और हीमोफीलिया का जीन है तो वाहक पुत्री कहेंगे, क्योंकि रोगी हम नहीं कहेंगे महिला को, ये सामान्य पुत्र है दोस्तों, सामान्य पुत्र, और ये भी क्या है, सामान्य पुत्र, क्या है, सामान्य पुत्र। बस सिंपल सी बात आपको ज्ञात रखनी है कि पुरुष हीमोफीलिया से ग्रसित और महिला सामान्य है, तो इनसे उत्पन्न होने वाली जो पुत्रियां हैं वो पुत्रियां यानी कि 100% सारी की सारी पुत्रियां कैसी होंगी, वाहक होंगी, वाहक पुत्री होंगी, और 100% यानी सारे के सारे पुत्र जो है वो सामान्य पुत्र होंगे। क्लियर, बस यही इसका निचोड़ आ गया, बात यहां पर खत्म हो गई। तो इस प्रकार से आपको पूछ सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर स्त्री भी वाहक दे दे कोई बात नहीं, एक एक्स पर एच लगा देंगे, जहां जहां एच जाएगा, तो बस एक चीज यहाँ पर ध्यान रख लेना कि अगर दोनों एक्स पर एच आता है, दोनों एक्स पर क्या आता है, एच आता है, तो भी वो क्या होगी, वाहक होगी, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, बस इतना ज्ञात रखना। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अगले डिजीज की, और अगला जो रोग है दोस्तों अनुवांशिक रोग नंबर दो वो है अपना वर्णांधता, क्या है, वर्णांधता रोग है, कलर ब्लाइंडनेस। इस वर्णांधता रोग में क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं, वह व्यक्ति जो वर्णांधता रोग से ग्रसित है, इस रोग से जो व्यक्ति ग्रसित है वो लाल वे हरे रंग में, लाल वे हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है,
क्लियर। तो वह व्यक्ति जो इस वर्णांधता रोग से ग्रसित है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, विभेदन नहीं कर पाता है। अगली बात हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो रोग है, इस रोग में जो रोगी होगा वो कौन होगा? पुरुष होगा। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी आनुवंशिक रोग हैं सभी में रोगी कौन होगा? पुरुष होगा। पूछेगा कि इस रोग का वाहक कौन है, तो पता है आनुवंशिक रोग है तो वाहक कौन होगी? महिला होगी, स्त्री होगी। बात क्लियर? यस। देखिए दोस्तों, इसका जो परीक्षण किया जाता है वो बड़ा ही सिंपल परीक्षण है। कैसे किया जाता है? जैसे मैंने यहाँ पर एक बोर्ड बनाया है और इस बोर्ड में मैं एक आकृति जो है वो लाल रंग से माना लिख देता हूँ। यहाँ पर ये लीजिएगा, मैंने एक आकृति यहाँ बना दी जो आपको स्पष्ट समझ में आ रही है कि मैंने गणित का 7 नंबर का अक्षर बनाया है, 7 नंबर बनाया है। लेकिन यहीं इसके पास हम ग्रीन कलर से वापस से ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर बना दें, ऐसी बहुत सारी संरचना बना दें, और इसके बाद मैं आपको कहूँ कि इसमें देख के बताइएगा कि कौन सी संरचना जो है वो बनाई गई है। अगर आप इस संरचना को देख पाते हैं, लाल रंग से बनी संरचना को, और आप बता पाते हैं कि यहाँ पर 7 बना हुआ है, क्या बना हुआ है? 7 बना हुआ है, 7 बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप वर्णांधता से ग्रसित नहीं है। और यदि नहीं बता पाते, आपको नहीं यहाँ पर विभेदन या अंतर यहाँ पर समझ में नहीं आता है लाल और इस हरे में, तो इसका मतलब आप हीमोफीलिया रोग से क्या है? ग्रसित है। सॉरी, वर्णांधता रोग से क्या है? ग्रसित है। ओके, तो वर्णांधता की यहाँ पर बात हो गई कि वर्णांधता रोग से कैसे टेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पर वही एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं वर्णांधता को समझाने के लिए, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, क्योंकि हीमोफीलिया और वर्णांधता दोनों आनुवंशिक रोग है, दोनों में सेम सी बात होगी, ठीक है। जीनों को लेकर किस तरह से क्रॉस करवाएंगे, इक्वल सी बात है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ अगला एग्जाम्पल ले लेता हूँ चेंज करके। हमें कहा गया कि वर्णांधता से एक पुरुष जो है वो सामान्य है, ग्रसित नहीं है, और एक महिला जो वर्णांधता की वाहक है, क्योंकि ग्रसित तो हम कह ही नहीं सकते, ग्रसित तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि महिलाएं केवल आनुवंशिक रोगों की वाहक होती है। अब देखिए, तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में क्या प्रभाव होगा ये हमें बताना है। हमें पता है कि पुरुष है तो गुणसूत्र होंगे XY, महिला है तो गुणसूत्र होंगे XX। पुरुष सामान्य है तो कोई भी जीन जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर मित्रों एक चीज ध्यान रखनी है कि स्त्री वाहक है किसकी? वर्णांधता की। और वर्णांधता का जो जीन है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं सी, सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस, सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस। तो किसी भी एक एक्स पर यहां पर सी जोड़ दीजिएगा। एक्स पर ही क्यों जोड़ा? इसलिए जोड़ा क्योंकि हमें पता है कि आनुवंशिक रोग जो होते हैं वो एक्स गुणसूत्र संलग्न होते हैं, एक्स गुणसूत्र से जुड़कर ही आनुवंशिक रोगों के जीन एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक संचरित होते हैं। अब इनके बीच हम क्या करवाते? क्रॉस करवाते। तो जब क्रॉस करवाएंगे तो पहले इनको पृथक करके लिखिएगा एक्स एंड वाई, इनको भी अलग करके लिखिएगा एक्स सी एंड एक्स। आफ्टर देन जब क्रॉस करवाएंगे तो इस पहले को आगे वाले के पहले से क्रॉस करवाएंगे, तो यहां पर बन गया दोस्तों एक्स एक्स सी। फिर हम जब क्रॉस करवाएंगे इस पहले को आगे वाले के दूसरे के संग क्रॉस करवाएंगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों? यहां बन जाएगा एक्स एक्स। फिर इसी को क्रॉस करवाएंगे दूसरे को आगे वाले के पहले से, तो एक्स वाई, यहां क्या बनेगा? यहां बनेगा दोस्तों एक्स सी वाई। और आफ्टर देन हम इसको क्रॉस करवाएंगे दूसरे को आगे वाले के दूसरे से, तो यहां पर क्या बनेगा? तो यहां पर बन जाएगा दोस्तों एक्स वाई, बन गया। तो अब हमें यहां पर केवल देख के बताना है कि कौन सी संतान क्या है। तो हमें पता है दोनों एक्स हैं तो पुत्र है या पुत्री, तो ये दोनों एक्स गुणसूत्र हैं तो पुत्री है। और यहां पर वर्णांधता का जो सी जीन है वो उपस्थित है, तो रोगी तो कह नहीं सकते, इसलिए क्या कहेंगे? वाहक पुत्री। ये पुत्री है लेकिन जीन उपस्थित नहीं है, इसलिए सामान्य पुत्री। ये पुत्र है, एक्स वाई है तो पुत्र है, और इसमें जीन उपस्थित है, इसका मतलब जीन उपस्थित है तो ये कैसा होगा? रोगी पुत्र। और ये एक्स वाई पुत्र है लेकिन इसमें जीन उपस्थित नहीं है कोई भी वर्णांता का, इसलिए सामान्य पुत्र। तो हम यहाँ का जो रिजल्ट देंगे दोस्तों, वो रिजल्ट हम ये बताएंगे, क्या बताएंगे कि वाहक पुत्री कितनी है,
तो वाहक पुत्री दो में से एक पुत्री है वाहक, तो 50%। वो कहेगा सामान्य पुत्री कितनी है, तो दो में से एक सामान्य पुत्री है, तो दो में से एक 50%। वो कहेगा रोगी पुत्र कितने हैं, तो दो पुत्र हैं टोटल, उनमें से एक रोगी है, 50%। वो कहेगा सामान्य पुत्र कितने हैं, तो दो पुत्रों में से एक पुत्र सामान्य है, तो कितना परसेंट हो गया, दो में से एक 50%। तो इस प्रकार से ये हमारे पास मित्रों क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इस प्रश्न का रिजल्ट। तो इस प्रकार से करके हमें प्रश्न में कुछ भी पूछा जा सकता है, बड़ा ही सिंपल है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न अक्सर आप लोगों को पूछा जा सकता है। ओके, यस, चलिए आगे चलते हैं। अब एक कॉमन सा एग्जाम्पल मैं दोनों का दे देता हूं, जो दोनों से ही रिलेटेड है, कि पुरुष रोगी है, चलो वर्णांतर रोग का ही मान लो, स्त्री वाहक है। अब आप चाहे वर्णांता का मान लो इसको, चाहे हीमोफीलिया का मान लो, दोनों में एक ही बात है, जीन जहां पर वर्णांतता के लिए सी लिखूंगा, वहां हीमोफीलिया के लिए एच लिख देंगे, इतना ही डिफरेंस है। तो अब यहां पर आप एक चीज देखिएगा कि हम यहां जो जीन लिखेंगे पुरुष के लिए तो एक्स वाई, लेकिन कैसा है, रोगी है, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांता का रोगी है, तो वर्णांता का सी जीन एक्स पर जुड़ेगा। और यहां पर देखिएगा मित्रों कि स्त्री क्या है, दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स, वाहक है, स्त्री वाहक है, तो वर्णांतता का जीन जुड़ा होगा, यानी सी जुड़ा होगा किसी ना किसी एक एक्स पर। ओके, एक एक्स पर यहां पर सी जुड़ा हुआ है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम इनके बीच क्रॉस कराएंगे और हम ये बताएंगे कि इनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान है उनमें वर्णांतता का क्या प्रभाव रहेगा, क्या उनका प्रतिशत है और कितने कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों क्रॉस करवाते हैं अब, तो सबसे पहले इनको पृथक करके लिखेंगे दोनों को। तो जैसे हमने इसको पृथक करके लिखा तो ये x y और ये वर्णांता का जीन c जुड़ा हुआ है, और ये लीजिएगा मित्रों यहां पर x x और एक x पर वर्णांता का जीन c जुड़ा हुआ है। अब हम करवाएंगे क्रॉस, क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे तो इधर वाले के पहले को आगे वाले के पहले के साथ क्रॉस करवाएंगे। जब क्रॉस करवाएंगे तो ये बनेगा यहां पर दोस्तों, क्या बनेगा, तो ये बनेगा x x और दोनों ही सी पर क्या आएगा, सॉरी दोनों ही एक्स पर क्या आएगा, ये वर्णांता का जीन आएगा सी। आ गया, इतनी बात समझ में आ गई, थोड़ा इसको बड़ा लिख देता हूं मैं ताकि आपको बढ़िया से दिख जाएगा। यस, फिर इसके बाद हम इसी पहले को आगे वाले के दूसरे के साथ क्रॉस करवाएंगे। जब आगे वाले के दूसरे के साथ हम क्रॉस करवाएंगे दोस्तों यहां पर, तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर यह होगा कि x ठीक है और यह भी x, लेकिन एक x पर क्या जुड़ा हुआ है, वर्णांता का जीन जुड़ा हुआ है c, एक x पर वर्णांता का जीन जुड़ा हुआ है, वो क्या जुड़ा हुआ है, c जुड़ा हुआ है। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो अब दूसरे वाले का क्रॉस करवाएंगे आगे वाले के पहले के साथ, तो यहां पर यह बन जाएगा अपना कौन, यहां पर बन जाएगा अपना एक्स वाई, लेकिन x के साथ जुड़ा हुआ है वर्णांतता का जीन, तो वो यहां जोड़ना पड़ेगा c। ओके, और दोस्तों आखिरी इस दूसरे को आगे वाले के दूसरे से क्रॉस करवाएंगे तो यहां पर ये बनेगा एक्स वाई। अब देखिए यहां पर क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो रिजल्ट निकल के आ रहा है ये पुत्री है, दोनों x हैं, लेकिन दोनों पर जीन जुड़ा हुआ है तो वाहक ही रहेगी, वाहक पुत्री, वो अलग बात है कि मृत्यु हो जाएगी। ये भी कैसी है, ये भी वाहक पुत्री है, ये क्या है, ये रोगी पुत्र है, रोगी पुत्र, और ये सामान्य पुत्र, क्या है मित्रों, सामान्य पुत्र। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुत्रियां जो है वाहक कितनी है, तो वाहक पुत्रियां दोनों के दोनों, तो 100%, दोनों वाहक है, 100% हो गई। पुत्र रोगी पुत्र कितने, तो रोगी पुत्र दो में से एक है, रोगी पुत्र दो में से एक है, तो दो में से एक है, तो हम कहेंगे कितना प्रतिशत, 50%। वो कहेगा सामान्य पुत्र कितने, तो सामान्य पुत्र दो में से एक है, तो हम कहेंगे 50%। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर आ गई, ये है दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पर बात की, तो हमने बात की यहाँ पर हीमोफीलिया की, और इसके बाद हमने जो बात की वो हमने बात की दोस्तों वर्णांतता की। अब तीसरा जो आनुवंशिक रोग है अपना वो है थैलेसीमिया।
नंबर तीन, थैलेसीमिया की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मित्रों? थैलेसीमिया की बात करते हैं। और थैलेसीमिया जो है, ये थैलेसीमिया क्या होता है? देखिए, हमारे शरीर में HB पाया जाता है और इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं इसको? हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों, इसका निर्माण जो है वो स्वतः होता है, यानी स्वतः निर्मित। अब ये स्वतः निर्माण जो होता है, ये कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। स्वतः निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर इसका स्वतः निर्माण होता है। क्लियर है? यस। अब देखो, हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता होती है, अगर उतने हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता, यानी मैं सीधा कह दूं कि हीमोग्लोबिन का निर्माण क्या हो गया? दोषपूर्ण हो गया। हीमोग्लोबिन का निर्माण दोषपूर्ण, यानी दोषपूर्ण निर्माण, ये लिख देता हूं। हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसा हो गया? निर्माण दोषपूर्ण हो गया, ठीक है। और दोषपूर्ण निर्माण का मतलब है कि जितनी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता होती है, उतने हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है, उतने HB का निर्माण नहीं होता है, तो इसी को कहते हैं थैलेसीमिया। क्या कहते हैं इसी को? इसी को थैलेसीमिया कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन का निर्माण स्वतः होता है अस्थि मज्जा में, लेकिन जितने हीमोग्लोबिन की हमें आवश्यकता होती है, उतने का निर्माण नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन का निर्माण दोषपूर्ण हो गया, और इसी को थैलेसीमिया कहते हैं। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को जीवित रखने के लिए उसको बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। किसको? जो व्यक्ति ग्रसित हो गया, किससे? जो ग्रसित हो गया थैलेसीमिया से। किससे ग्रसित हो गया? जो थैलेसीमिया से ग्रसित हो गया, उसको जीवित रखने के लिए बार बार उसको क्या करना पड़ता है? रक्त चढ़ाना पड़ता है। ये बात सही है? अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर बढ़ते हैं तो नंबर चार हम बात करते हैं, और चौथा जो अनुवांशिक रोग है, ये चौथा अनुवांशिक रोग है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये अपना अगला अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग नंबर चार, जेनेटिकल डिजीज नंबर फोर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया जो रोग है, इस रोग में वाकई में होता क्या है? हमारी जो RBC होती है, ये है हमारी RBC। हमें पता है कि RBC गोल होती है। कैसी होती है? गोल। लेकिन ये RBC मुड़ करके और कैसी हो जाती है? हसियाकार हो जाती है। RBC कैसी हो जाती है? RBC हसियाकार, या हम कह सकते हैं RBC दात्राकार। हसियाकार कह दो या दात्राकार कह दो। क्लियर? यस मित्रों, यहां पर तीन शब्द जो बताए गए हैं, इनका आपको मीनिंग आ गया तो ये पूरा टॉपिक आ गया। एक शब्द यहां लिखा गया है सिकल। सिकल का मतलब है हसियाकार, हसियाकार या दात्राकार, हसियाकार या दात्राकार। दूसरा शब्द लिखा गया है यहां पर सेल। सेल का मतलब होता है कोशिका। सेल का मतलब क्या है? कोशिका। और तीसरा जो शब्द यहां पर दिया गया है, वो दिया गया है एनीमिया। एनीमिया और एनीमिया का मतलब है रक्त की कमी।
बोले तो रक्ताल्पता, रक्ताल्पता, यस। ये बात यहां पर आप समझिए कि तीन जो यहां पर शब्द दिए गए हैं, पहला दिया गया है सिकल, सिकल का मतलब है हाशियाकार या दात्राकार। दूसरा शब्द यहां पर दिया गया है सेल, सेल का मतलब है दोस्तों कोशिका। तीसरा शब्द यहां पर दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है अपने को एनीमिया, और हम जानते हैं कि एनीमिया का मतलब क्या है, रक्त की कमी या रक्ताल्पता। होता क्या है कि हमारी जो आरबीसी गोलाकार होती है, ये गोलाकार आरबीसी कैसी हो जाती है, ये हसियाकार हो जाती है। और जब आरबीसी हसियाकार हो जाती है, संकुचित हो जाती है, और संकुचित होकर हसियाकार हो जाती है, तो इनकी संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और मैं बता दूं कि सामान्यतः इन हसियाकार आरबीसी कोशिकाओं में मलेरिया का प्लाज्मोडियम, मलेरिया का लार्वा जो प्लाज्मोडियम है वो नहीं पनपता, प्लाज्मोडियम नहीं पनपता। लेकिन अगर पनप गया तो ये पूरी की पूरी आरबीसी को नष्ट कर देगा और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें यहां से जो मोटी चीज याद रखनी है, वो मोटी चीज यही अपने को याद रखनी है कि इस रोग में सिकल सेल एनीमिया रोग के अंदर क्या होता है। तो इस सिकल सेल एनीमिया रोग के अंदर गोलाकार जो आरबीसी है, ये संकुचित होकर और किसमें, हसियाकार या दात्राकार आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, और ऐसा होने से आरबीसी की संख्या में काफी कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग भी जो है वो आगे संचित होता रहता है। इस कारण से इस रोग को भी क्या कहते हैं, इस कारण से इस रोग को भी सिकल सेल एनीमिया को अनुवांशिक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिकल डिजीज कहते हैं, अनुवांशिक रोग इसको कहते हैं। बात समझ में आ गई? यस। देखिए यहां हमने जो बात की दोस्तों मुख्यतः, वो आज हमने अनुवांशिक रोगों की इस क्लास में बात की, और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसमें अनुवांशिक रोगों के विषय में बात की कि हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया है, जिनमें एक एक के बारे में अपन ने अध्ययन किया। सबसे पहले हमने हीमोफीलिया के बारे में ये देखा, आफ्टर देन हमने जो देखा वो हमने देखा दोस्तों इसकी डिटेल, और उसके बाद हमने यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल देखा, और इसके एग्जाम्पल के बाद में हमने बात की यहाँ पर वर्णांधता की। वर्णांधता के विषय में भी अपन ने पूरा डिस्क्रिप्शन देखा एग्जाम्पल के साथ देखा, और उसके बाद हमने थैलेसीमिया जो रोग है इसके विषय में अपन ने परिचर्चा की, और थैलेसीमिया रोग की परिचर्चा के बाद में हमने ये बात की कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। क्या बात की कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। अब जो आखिरी टॉपिक है ये इस क्लास का, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रमुख रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंग कौन कौन से प्रमुख रोग है और उनमें कौन कौन से अंग प्रभावित है। तो यहां लिखता हूं मैं प्रमुख रोग एवं इन रोगों में प्रभावित अंग, किस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये बात अपने को बतानी है। ठीक है, चलिए तो परिचर्चा करते हैं प्रमुख रोगों की और इन रोगों में प्रभावित अंगों की। सबसे पहले मैं एक तरफ रोग लिखता हूं और एक तरफ प्रभावित अंग लिखता हूं। ठीक है, तो इधर तो मैं लिख देता हूं रोग का नाम और इधर लिख देता हूं दोस्तों प्रभावित अंग। यस, तो पहला है रोग में नंबर एक, और नंबर एक जो है वो है निमोनिया। क्या है दोस्तों, न्यूमोनिया। और निमोनिया में जो प्रभावित अंग है, ये प्रभावित अंग कौन है, तो ये सबको पता है फेफड़े हैं। कौन है, फेफड़े। निमोनिया में प्रभावित अंग कौन है दोस्तों, फेफड़े हैं। दूसरी हम बात करते हैं नंबर दो, दूसरा रोग, और इस दूसरे रोग का जो नाम है वो है अपना इन्फ्लुएंजा। क्या है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, और इन्फ्लुएंजा रोग जो है, इस इन्फ्लुएंजा रोग में श्वास नली क्या होती है, श्वास नली प्रभावित होती है, श्वास नली।
इसके बाद हम बात करते हैं पोलियो, तो नंबर 3 आता है दोस्तों यहां पर पोलियो रोग। और पोलियो रोग में जो प्रभावित होता है अंग वो है अपना कौन, तंत्रिका तंत्र। कौन प्रभावित होता है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र पोलियो रोग में प्रभावित होता है। क्लियर? यस। नंबर 4 रेबीज रोग। तो रेबीज रोग की हम बात करें, रेबीज, तो रेबीज जो रोग है, इस रोग में जो प्रभावित अंग है, रेबीज रोग में जो प्रभावित अंग है वो भी है तंत्रिका तंत्र। कौन प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। मैं यहां एक नोट लगा के लिख देता हूं दोस्तों कि जो तंत्रिका कोशिका है हमारी, कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और इसका जो एक इकाई है तंत्रिका कोशिका की, इस एक इकाई को कहते हैं दोस्तों न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका की एक जो छोटी इकाई है उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। और तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। आगे बात करते हैं अस्थमा में। तो अस्थमा में प्रभावित जो अंग है वो क्या है? तो दोस्तों अस्थमा में भी श्वास नली जो है वो प्रभावित होती है। नंबर 5 अस्थमा। तो अस्थमा में प्रभावित अंग कौन है? वही श्वास नली। और श्वास नली के साथ साथ में और क्या कह सकते हैं? तो श्वास नली के साथ साथ में हम फेफड़े भी कह सकते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया खांसी है, और खांसी है तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? गला। गला प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? गला प्रभावित होता है। नंबर 7 हम बात करें अगली कि टीबी में। तो टीबी जो रोग है दोस्तों, इस टीबी में जो अंग प्रभावित होते हैं वो प्रभावित होते हैं फेफड़े। कौन होते हैं? फेफड़े यानी कि लंग्स जो है वो प्रभावित होते हैं। और नंबर 8 हम बात करें यहां पर अगले रोग की, तो एक्जिमा। एक्जिमा जो रोग है, इस एक्जिमा रोग में त्वचा प्रभावित होती है। कौन प्रभावित होती है? त्वचा। ज्ञात रहे, नोट लगा के लिख देता हूं, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग है। त्वचा हमारे शरीर का क्या है मित्रों? त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, यह हमें ज्ञात रखना है। और एक्जिमा के बाद में हम बात करते हैं टाइफाइड। तो टाइफाइड जो रोग है, इस टाइफाइड रोग में जो अंग प्रभावित होता है वो है आंत्र। कौन प्रभावित होती है? आंत्र प्रभावित होती है। टाइफाइड रोग में कौन प्रभावित होती है? तो टाइफाइड रोग में दोस्तों प्रभावित होती है आंत्र। अगली हम बात करते हैं टिटनेस। किसकी बात करते हैं? टिटनेस की बात करते हैं। नंबर 10 टिटनेस। और टिटनेस रोग में जो प्रभावित होता है वो प्रभावित अंग है मेरुरज्जु। कौन है? मेरुरज्जु। टिटनेस रोग में मेरुरज्जु जो है अपना, ये मेरुरज्जु प्रभावित होता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो यहां से मोस्टली आपको इसी तरीके से प्रश्न पूछेगा कि कौन सा रोग और उसमें कौन सा प्रभावित अंग है। ट्रेकोमा की हम बात करते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं ट्रेकोमा। ट्रेकोमा, तो ट्रेकोमा में प्रभावित अंग जो है दोस्तों वो है आंखें। कौन है? आंखें प्रभावित होती हैं। और यहीं से हम बात करें रतौंधी की। किसकी बात करें? रतौंधी की बात करें तो रतौंधी में भी प्रभावित अंग कौन है? रतौंधी में भी प्रभावित अंग आंखें हैं। ठीक है, यस दोस्तों। एक और रोग की हम यहां पर बात करें और उस रोग की हम बात करें। देखिए
विटामिन ए की कमी से होता है कौन? रतौंधी। और एक रोग और है जिसका नाम है जीरोपथैल्मिया। क्या नाम है? जीरोपथैल्मिया। इस जीरोपथैल्मिया रोग में भी कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमें ज्ञात रखना है कि इसमें भी प्रभावित होती है हमारी आंख। कौन प्रभावित होती है? आंख प्रभावित होती है, बोले तो आंखें जो है वो प्रभावित होती है। तो अस्थमा में श्वास नली, डिप्थीरिया में गला, टीबी में फेफड़े, एक्जिमा में त्वचा, ठीक है, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। टाइफाइड में प्रभावित होती है आंत्र, टिटनेस में मेरु रज्जु प्रभावित होती है, ट्रोकोमा में आंखें प्रभावित होती है, रतौंधी में भी आंखें प्रभावित होती है, जीरोपथैल्मिया में भी आंखें प्रभावित होती है। अब बात करते हैं गलसुआ रोग में, तो गलसुआ रोग में कौन प्रभावित होता है? तो दोस्तों नंबर देख लेते हैं, कितने नंबर तक आ गए अपन? 14 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। गलसुआ, तो गलसुआ जो रोग है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि गलसुआ रोग है क्या। तो ये टॉन्सिल्स वाला रोग है। इस गलसुआ में लार ग्रंथियां जो है वो अपनी प्रभावित हो जाती है। कौन प्रभावित होती है? लार ग्रंथियां। कौन प्रभावित होती है? लार ग्रंथियां जो है ये प्रभावित होती है। क्लियर? यस। नंबर नेक्स्ट की हम बात करें, नंबर 15 की हम बात करें दोस्तों, ठीक है, गलसुआ के बाद में हम अगले रोग की बात करें तो पीलिया। और पीलिया रोग जो है, पीलिया, इस पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमें पता है कि पीलिया रोग में प्रभावित होता है यकृत, बोले तो लीवर, इसी को कहते हैं जिगर, और इसी को कहते हैं कलेजा। क्या कहते हैं? कलेजा। सारे इसी के नाम है दोस्तों, ध्यान रखना। और इस लीवर की जो कोशिका होती है, इस लीवर की कोशिका को हिपेटिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपेटिक सेल कहते हैं, जिसमें अत्यधिक विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा विभाजन की क्षमता पाई जाती है इसमें। इसके बाद हम बात करें रिकेट्स रोग की। किसकी बात करें? रिकेट्स रोग की हम बात करें तो रिकेट्स रोग में प्रभावित जो अंग है वो सबको पता है हड्डियां हैं, अस्थियां होंगी। रिकेट्स रोग में कौन प्रभावित होगा? अस्थियां प्रभावित होती हैं, ठीक है। अस्थियां क्या होती है रिकेट्स में? कोमल हो जाती है और छोटी मोटी चोट लगने पर टूट जाती है। प्लेग रोग में जो प्रभावित होती हैं वो लस्सी का ग्रंथियां प्रभावित होती हैं, प्लेग। और प्लेग रोग में लिम्फेटिक जो ग्लैंड्स हैं, लस्सी का ग्रंथियां जो हैं, ये लस्सी का ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। कौन प्रभावित होती है? लस्सी का ग्रंथियां प्लेग रोग के अंदर प्रभावित होती है। तो गलसुआ में कौन? लार ग्रंथि। पीलिया के अंदर कौन? लिवर। उसके बाद रिकेट्स में कौन? अस्थियां। और प्लेग में कौन? लस्सी का ग्रंथियां जो है ये प्रभावित होती है। अगले रोगों की हम परिचर्चा करें कि कौन से रोग में कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है। तो दोस्तों डायबिटीज की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। नंबर कितना हो गया अपना? डायबिटीज की हम बात कर सकते हैं, 17 हो गया। नंबर 18, तो डायबिटीज जो रोग है, इस डायबिटीज रोग में जो प्रभावित अंग होगा वो होगा अग्नाशय। कौन होगा? अग्नाशय, पैंक्रियास। अग्नाशय प्रभावित होगा डायबिटीज में। अगला, इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सा रोग और कौन सा अंग प्रभावित होगा। तो उसमें पैरालिसिस, तो पैरालिसिस में नाड़ी या तंत्रिका हम कह सकते हैं, पैरालिसिस। और पैरालिसिस जो रोग है इसमें प्रभावित अंग जो है वो होंगी हमारी नाड़ियां। तो नाड़ी क्या होगी? नाड़ी प्रभावित होगी। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नंबर 20 नंबर के रोग की हम बात करते हैं, गोइटर रोग, ठीक है। और गोइटर रोग जो होता है, गोइटर, इस गोइटर रोग को हम गलगंड भी कहते हैं, गलगंड। इसी को हम कहते हैं घेंगा रोग। क्या कहते हैं? घेंगा। तो गलगंड कहो या घेंगा कहो, एक ही बात है। और इस रोग में जो प्रभावित अंग है वो होता है हमारा गला। कौन प्रभावित होता है? हमारा गला जो है वो प्रभावित होता है। तो गला प्रभावित होता है। और दोस्तों आखिरी एक और आपको बता देता हूं, मलेरिया की अगर आपसे बात पूछे कि मलेरिया में प्रभावित अंग, तो मलेरिया के अंदर जो प्रभावित होता है वो होता है आरबीसी की संख्या। कौन होती है? आरबीसी की संख्या प्रभावित होती है। कौन होती है? आरबीसी की संख्या जो है
ये प्रभावित होती है अपनी किस में, ये प्रभावित होती है अपने मलेरिया रोग में। कौन से रोग में? मलेरिया रोग में प्रभावित होती है। क्लियर? यस। तो मोस्टली हमने यहां पर जो बात की वो कौन कौन से जो अंग हैं जो किस किस रोग में प्रभावित होते हैं ये हमने बात की, जिसमें न्यूमोनिया में फेफड़े प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंजा में सांस नली, पोलियो में तंत्रिका तंत्र, रेबीज में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, अस्थमा में श्वास नली, डिप्थीरिया में गला, टीबी में फेफड़े, एक्जिमा में त्वचा, ठीक है, टाइफाइड में आंत्र, टिटनेस में मेरुरज्जु, ट्रोकामा में आंखें, रतौंधी में आंखें और जिरोप्थैल्मिया में भी आंखें प्रभावित होती है। इसके बाद गलसुआ में लार ग्रंथियां प्रभावित होती है, पीलिया यकृत, रिकेट्स में अस्थियां और प्लेग में लस्सी का ग्रंथियां जो है वो प्रभावित होती है, डायबिटीज में अग्नाशय, पैरालिसिस में नाड़ी, गोइटर, गलगन, गेंगा रोग में गला और मलेरिया रोग जो होता है इसमें आरबीसी प्रभावित होती है। कौन प्रभावित होती है? आरबीसी प्रभावित होती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि रोगों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की यदि हम यहाँ पर बात करें तो मोटे तौर पर हम जो देखते हैं वो कुछ एक टॉपिक देखेंगे जो वास्तव में एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स के रूप में अपन यहाँ इनको देख लेते हैं। तो फैक्ट्स के रूप में पहला SARS, ये है सारस। कौन सा रोग है? सारस रोग। और ये जो सारस रोग है इस सारस रोग का वायरस कोरोना वायरस है। इसका जो वायरस है, इसका जो विषाणु है, सारस का वायरस कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है। सारस का वायरस क्या है? कोरोना वायरस है, ठीक है। ये श्वास नाल जो है इस पर सबसे पहले श्वास नाल और फेफड़ों पर अपना प्रभाव दिखाता है। दूसरा जो बात करें अपन यहां पर दूसरे फैक्ट की, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात की बात करें तो यह हम बात कर सकते हैं कि डायलिसिस का संबंध किससे। तो दोस्तों डायलिसिस जो है ये किससे संबंधित है? तो ये किडनी से संबंधित है, गुर्दे से संबंधित है, गुर्दे या वृक्क बोल दो या किडनी बोल दो से संबंधित। तो गुर्दे बोलो, वृक्क बोलो, किडनी बोलो, तो इससे संबंधित जो रोग है वो डायलिसिस रोग है। क्या है? डायलिसिस। तो डायलिसिस का जो संबंध है वो गुर्दे, वृक्क या किडनी से है। इसके बाद हम बात करें रोगों में तो यहाँ पर अपने को याद रखने वाला जो है वो एक सिंपल सा रोग मैं बता देता हूँ कि मानव का जो गुर्दा है इसमें पथरी होती है, इस पथरी के अंदर क्या पाया जाता है ये प्रश्न पूछ लेता है। मानव गुर्दे यानी किडनी, मानव गुर्दे की पथरी में, मानव गुर्दे की पथरी में क्या होता है? तो इसमें होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो मानव की किडनी में जो पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाती है दोस्तों, ये जो स्टोन है ये स्टोन क्या होती है? इस स्टोन के अंदर होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। क्लियर? अब आपसे पूछ ले कि बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो कौन है? तो बर्ड फ्लू का वायरस नंबर चार, बर्ड फ्लू का विषाणु, तो बर्ड फ्लू का विषाणु है H5N1। कौन है? H5N1 जो है ये बर्ड फ्लू का क्या है? विषाणु है। क्या मित्रों? बर्ड फ्लू का विषाणु है। और आखिरी एक दो चीजें जो है और महत्वपूर्ण ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। नंबर पांच में हम बात करते हैं कि ECG का संबंध। तो ECG का जो संबंध है वो किससे? हृदय से है दोस्तों। किससे? हृदय से। और दोस्तों यहीं से आपको प्रश्न पूछे
कि ईईजी का संबंध किससे है, तो ईईजी का जो संबंध है ये संबंध है दोस्तों मस्तिष्क से। किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। ईईजी का संबंध किससे है? तो ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है। क्लियर? यस। और इसके अलावा एक और आपको बता देता हूं कि एचसीजी जो हार्मोन है, एचसीजी हार्मोन, ये जो एचसीजी हार्मोन है इसके द्वारा गर्भावस्था की जांच की जाती है। किसकी? गर्भावस्था की जांच की जाती है। गर्भावस्था की जांच की जाती है कि गर्भधारण हुआ है या नहीं हुआ। किसके द्वारा? एचसीजी के द्वारा की जाती है। ओके यस। और एक दोस्तों आपसे पूछ ले एसटीडी रोग के बारे में, तो एसटीडी का पूरा नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि यौन संक्रमित रोग। यौन संक्रमित रोग। और यौन संक्रमित रोगों के अंदर हम नाम जो लेते हैं मुख्यतः एड्स का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? यौन संक्रमित रोगों में हम एड्स का नाम लेते हैं। और दोस्तों एड्स के अलावा जो है हर्पिस, गोनोरिया और सिफिलिस। कौन कौन से? हर्पिस, गोनोरिया और सिफिलिस। सिफिलिस ये सारे के सारे क्या है? ये एसटीडी रोग है दोस्तों। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि ये सारे के सारे रोग जो है वो लैंगिक संपर्क से फैलने वाले रोग है। क्लियर? यस। तो दोस्तों हमने मानव के शरीर में होने वाले जितने भी रोग हैं उनके बारे में बात की, जिनमें हमने जो बातचीतें की वो विषाणु जनित रोगों की बात कर ली, हमने जीवाणु जनित रोगों की बात कर ली, हमने कवक जनित रोगों की बात कर ली, हमने प्रोटोजोआ जनित रोगों की बात कर ली, इसके बाद आनुवंशिक रोगों की हमने बात की और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनकी भी हमने बात कर ली। तो ये आपका जो टॉपिक था ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक था। क्या था? अति महत्वपूर्ण टॉपिक था परीक्षा के दृष्टिकोण से। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक के लिए, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।